अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज आप देख सकते हो कि हम स्टार्ट करने वाले एक रेसिपी जो कि है गोले की। सो हम वो शूट करके आपके लिए बना रहे हैं। हमने सबसे पहले लिया मैदा, देन हमने लिया 5 एग, और उसके बाद हमने लिया कलर जो कि है येलो, और मिल्क एंड शुगर। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने। ये 5 ही इंग्रेडिएंट्स सिर्फ हमें लगेंगे, इससे ही हमारा बनेगा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस गोला। और एंड में हम इसमें डालेंगे 2 और इंग्रेडिएंट, वो हम आपको वीडियो के साथ साथ बताएंगे। सो हियर, अभी हमने डाल दिया है इस मैदे में शुगर, हमने ऐड कर दिया है अभी। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क, और मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको एकदम अच्छी तरीके से फेंट देंगे ताकि इसके अंदर जो भी लम्स होगा निकल जाए। इसके लिए हमने ये कंटेनर लिया, आप देख सकते हो। स्टील का हमने इसके लिए नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकंजस्टेड हो जाता, कंफर्टेबल नहीं होता वो फेंटने में, और बार बार वो बहुत ज़्यादा नॉइस करता, और ये एकदम बेस्ट है। सो इसलिए आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये कंटेनर इस टाइप का कुछ ले, प्लास्टिक का या कुछ, ये माइक्रोवेव कंटेनर हमारा। सो अम्मी ने बोला है कि पहले हमको इसको शुगर को इसके साथ एकदम अच्छे से ऐसा मिक्स कर लेना है। ओके, सो ये हो गया हमारा मिक्स। देन हमको ऐड करना है इसमें मिल्क, और मिल्क एक साथ हम लोग ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें मिल्क। एज यू कैन सी दिस, ओके। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ क्विक इसको मिक्स करके जब। ओके, नाउ एज यू कैन सी कि अभी हम इसको एकदम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि शुगर मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद हम इसमें एग को ऐड करेंगे। सो एग बेसिकली हम लोग अभी इसलिए नहीं ऐड करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चंकी चंकी हो जाएगा। दैट्स वाई पहले हम शुगर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, नॉट पूरा, मतलब 100% हमें इसको मेल्ट नहीं करना है, हमें इसको 50% मेल्ट करना है। उसके बाद हम इसको एग के साथ फेंटेंगे तो शुगर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। सो जब तक हम इसको ये करते हैं मेल्ट, और फिर एग ऐड करके फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि अभी हम इसमें एग को ऐड कर दिया है हमने इस बैटर में, और इसको अच्छी तरीके से हम अभी डाइल्यूट कर लेंगे। आप देख सकते हैं पहले एग के जो ये योग होते हैं इसको हम लोगों को अच्छे से इसके साथ मिक्स करना है, उसके बाद ही ये डाइल्यूट होगा। सो मिलते हैं इसको जल्दी से हम क्विकली मिक्स करके। सो एज़ यू कैन सी कि अभी इसको हम एकदम अच्छे से फेंट चुके हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल ये स्मूथ हो गया है। हमको बस इसी कंसिस्टेंसी का ये चाहिए, एज़ यू कैन सी दिस। अब हम इस पॉइंट पर इसको सबको मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे हमारा कलर जो कि है लास्ट इंग्रेडिएंट आई थिंक, क्योंकि हमने पहले इसमें सबसे पहले हमने लिए थे मैदा, उसके अंदर ऐड किए शुगर, फिर हमने ऐड किए एग, और मिल्क भी हमने ऐड की है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा इसमें कलर, सो हम इसमें अपना कलर ऐड करेंगे, देन वी विल मिक्स इट अप। सो एज यू कैन सी कि हमने अभी इतना ही कलर लिए, कितना है अभी 3 to 4 ड्रॉप्स हमने अभी सिर्फ कलर ऐड किए, बिकॉज ज़्यादा कलर भी हमने नहीं ऐड करना है, बिकॉज हमको इसको हेल्दी रखना है एकदम। बस एक यू नो कलर इसलिए डाले ताकि ये थोड़ा टेम्पटिंग लगे। सो अभी हम इसको फेंट देते एकदम अच्छे से, एज यू कैन सी कि कलर आना स्टार्ट हो गया है। और ये जो मैदे आपको दिखेंगे ना साइड में लगे हुए, इसको भी आपको ले लेकर फेंटना है साथ में। वैसे तो ये लगते ही रहेंगे बार बार, जितनी बार आप लोगे उतनी बार लगना ही है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। अब जितना अच्छा इसको ऐसा फेंटोगे, जितना अच्छा आप इसको ब्लेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो गोला रहेगा बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। अच्छा जी, वांटेड टू शेयर यू समथिंग, और वो ये कि आप इसको इतनी अच्छी तरीके से फेंटो कि आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज़ हमने इसमें एग भी डाला है, और बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो ज़्यादा यू नो कुछ अनहेल्दी ना हो जाए, इसके लिए हमें वो अवॉइड करना है इसमें, बिकॉज हमने इसमें एग डाला है। इतना आपकी इसकी कंसिस्टेंसी रहे, आप देख सकते हो कि बस ऐसा फॉल डाउन हो, आप इसको उठाओ और ये फॉल डाउन हो, जैसा हम लोग बिल्कुल बाहर खाते हैं ना, ये उस टाइप में रेडी हुआ है। और ये कैंसी कि हमें इसे रखे हुए अभी 1 आवर हो गया है ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखो।
अच्छा, एज यू कैन सी कि हमने इस पर अभी घी को एकदम अच्छे से ग्रीस कर दिया है, आप देख सकते हैं। लुक एट दिस। एज़ यू कैन सी कि मम्मा ने कौन सी ट्रिक यूज़ की, मम्मा ने कहा कि ट्रिक यूज़ की इसको पूरा राउंड करने के लिए। सो आप भी ज़रूर ऐसा करें कि आप सेंटर में डालें, उसके बाद ऐसा अपने हाथ को राउंड राउंड करके इसको पूरे पैन पर अच्छे से राउंड शेप बना दें, आप देख सकते हैं। सो नाउ वी आर गोना ऐड दिस अफलातून इन इट, एंड हियर इज़ द फ्रेश क्रीम एज़ यू कैन सी बाय अमूल। और ये हमारा अफलातून है, जल्दी से इसको अनपैक करते हैं, उसके बाद इसको डालते हैं हम हमारे गोले में। एज़ यू कैन सी दिस इज़ आर अफलातून, और ये बहुत ही ज़्यादा घी से ओवरलोडेड होता है, आप देख सकते हैं। देखो मेरे हाथ पर पूरी घी लग गई। मम्मा भी डाल रहे हैं अफलातून। जब ये गैस पर हो ना, तो आप दोनों तरफ से इसको फ्लिप करके अच्छे से पका लो, उसके बाद गैस पर से ही आप इसको अफलातून को ऐसा स्प्रेड करते जाओ, जैसे मम्मा भी कर रहे हैं। सो ये देखो, एक अफलातून एक में पूरा अभी चला गया है। अब इसको हम लोग एकदम अच्छे से रोल कर देंगे। संभालो। हाँ, हमारा यही होता है कि हम गरम गरम तावे को छू नहीं सकते, और मम्मी लोग देखो, मतलब ज़रा सा ऐसा फ्लिप भी करना हो तो मम्मी लोग को डर नहीं लगती अपना हाथ लगाने के लिए उस पर। एज़ यू कैन सी कि ये हमारा रेडी है अभी। और मैं यही बोल रही थी कि मुझे इतनी डर लगती है ना कोई भी चीज़ ऐसा फ्लिप करते वक्त या कुछ, मुझे दो दो स्पून की ज़रूरत पड़ती है, और अम्मी ये सिंगल स्पून में पूरा अभी बना रहे हैं। एज़ यू कैन सी दिस, और आप देख सकते हैं अभी इधर पर गैस पर घी मेल्ट हो रहा है, और ये हमारा एक अभी रेडी हो गया है। हम क्विक क्विक अभी हमारा 6 to 7 ये पूरा अच्छे से रेडी कर लेंगे। और ये देखो आप एक बार और आप स्टेप्स देख लो, मम्मा की से इसको पूरा राउंड करते हैं सेंटर में डाल के। ये होती है ट्रिक। घी भी ज़रा अभी गैस के बाहर नहीं आ रही, है ना, कि सारी तो बहुत सारी है। सो नाउ वी आर गोना ऐड आर विप क्रीम इन इट, एज यू कैन सी दिस। हम इसमें बहुत ही अच्छे से अभी डाल देंगे हमारी विप क्रीम, ओ सॉरी फ्रेश क्रीम। केक बनाना सो विप क्रीम का नाम ही एकदम ज़ुबान पर रहता है। सो एज यू कैन सी दिस, ये बहुत ही ज़्यादा लोडेड होने वाला है क्रीम से। एज यू कैन सी नाउ, यस दैट्स इट। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अभी हमारा गोला बिल्कुल तैयार है मुकम्मल तरीके से, और हमने इसमें ऐड ऑन कर दी है हमारी फ्रेश क्रीम भी। एज़ यू कैन सी दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। अब तो मैं इसको ट्राई करने के लिए ज़रा भी वेट नहीं कर सकती। सो मैं ट्राई करती हूँ और आप सबको ज़रूर अपना रिव्यू शेयर करती हूँ, और आप भी ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई करें। चलिए फिर जाते हैं, सबको ट्राई करवाते हैं और ख़ुद भी ट्राई करते हैं। जब तक का बाय बाय।
Do like and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.